ध्यान में चलो, नेक्स्ट बेस सिस्टम आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है, कि अगर आपका फेज एक्वस होगा, आपका फेज अगर एक्वस होता है तो उसके उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है सिस्टम पे। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि एक्वस फेज में क्या होता है कि आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है, अगर एक्वस फेज में क्रिएट होता है तो वाटर का, जो वाटर में पता है वाटर का क्या होता है, तो वाटर का एक ओ सेंटर होता है और वाटर का एक एच सेंटर होता है। आपको पता है तो वाटर का जो ओ सेंटर होता है उस पर लोन पेयर होता है, तो और साथ में क्या होता है, तो इसमें इसको आप डेल्टा नेगेटिव सेंटर बोल सकते हो, और एस सेंटर क्या होता है, एस सेंटर को डेल्टा पॉजिटिव सेंटर बोल सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई अगर कटायन क्रिएट होगा सिस्टम में, तो कटायन के साथ वाटर का ओ सेंटर आके क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और प्रोसेस की, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। कभी कभी इस प्रोसेस को आप, जैसे अगर इस तरह का होगा, मान ले कोई हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन है उसके साथ अगर उसके साथ अगर उसके साथ अगर आपका ओ सेंटर आके इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके साथ अगर ओ सेंटर, तो उसको हम कभी कभी नाम दे देंगे एच बॉन्डिंग, कभी कभी नाम देंगे एच बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन, जनरली नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, और नाइट्रोजन से एच अटैच अटैच होने के कारण पॉजिटिव क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर इस एच से इंटरेक्ट करता है, इस एच से इंटरेक्ट करता है, इस हाइड्रेशन प्रोसेस को यहाँ पे कभी कभी बोला गया है एच बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बुक्स में या तो हाइड्रेशन वर्ड यूज किया रहेगा, या तो उसके बदले यूज करेगा एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग का मतलब को समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव बनता है ड्यू टू एच, तो जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वाटर के साथ एक इंटरेक्शन करेगा, उस इंटरेक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ये रहेगा एक्वस मीडियम में क्या होने वाला है। तो जो हाइड्रेशन फैक्टर है या जो एच बॉन्डिंग है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपका जो नाइट्रोजन है, तो सारे टाइप के नाइट्रोजन पे क्या हुआ, अगर मान लो कि कोई भी नाइट्रोजन अगर एच प्लस एक्सेप्ट करता है तो सब पे चार्ज क्या होगा, प्लस पॉजिटिव आएगा, यानी सारे पे चार्ज तो फिक्स ही रहेगा ना। नाइट्रोजन चाहे कुछ भी हो, चाहे अमोनिया का हो, चाहे प्राइमरी नाइट्रोजन हो, चाहे सेकेंडरी नाइट्रोजन हो, सब पे अगर एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव तो एक ही बनेगा। तो चार्ज पॉजिटिव अगर एक बनेगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज का वैल्यू सब में फिक्स रहेगा। तो कहीं ना कहीं साइज साइज फैक्टर जो है वो चेंज करने वाला है, साइज फैक्टर है वो चेंज करने वाला है। ठीक है, तो साइज जितना लार्ज होगा उतना ही क्या होगा, आपका हाइड्रेशन या जो एच बॉन्डिंग का जो इम्पैक्ट है, या जो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। एक्सटेंट एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग या हाइड्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे थे, कि जब भी आपका हाइड्रेशन होता है, जब भी आपका हाइड्रेशन होता है तो हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, चलो हाइड्रेशन प्रोसेस में एक अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन से मतलब क्या होगा, जब भी अट्रैक्शन होता है सिस्टम में होता है तो क्या होता है, जब भी अट्रैक्शन होता है तो सिस्टम से एनर्जी रिलीज होता है, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होता है, यानी प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब सिस्टम अपना एनर्जी को इवॉल्व करेगा तो सिस्टम का स्टेबिलिटी क्या होता है, सिस्टम का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जब भी हाइड्रेशन या एच बॉन्डिंग होगा उससे क्या होता है, आपका पॉजिटिव जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो लिंक होता है। ठीक है, तो जब भी बात करते हैं हम एक्वस मीडियम का, तो एक्वस मीडियम में दो इफेक्ट पैरेलली काम करेगा, दो इफेक्ट पैरेलली काम करेगा, और दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा, रिवर्स में काम करता है, दोनों का इम्पैक्ट रिवर्स में काम करता है। कौन कौन से इम्पैक्ट का बात कर रहे हैं, तो चलो, तो एक इफेक्ट है आपका हाइड्रेशन, जस्ट हम लोग जो सीखे थे, जब एक्वस मीडियम होता है तो पहला इम्पैक्ट क्या 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 बात करें, चलो तो एक इम्पैक्ट है आपके पास क्या, हाइड्रेशन है। ठीक है, ये इसको आप बोलते हैं एच बॉन्डिंग, और एक होता है आपका आई इफेक्ट। दोनों मिलके काम करेगा, दोनों मिलके काम करेगा, और दोनों का जो इफेक्ट है ना वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी दूसरे को उल्टे में चलता है, रिवर्स में चलता है। क्यों चलता है अभी आपको समझाते हैं, क्यों चलता है आपको अभी समझाते हैं। यानी जब भी हम एक्वस मीडियम का बात करते हैं तो इन दोनों ही इफेक्ट को सोच के काम करेंगे। जब भी आपके पास नॉन पोलर फेज था या फिर गैस गैसेस फेज था, उस केस में आपका हाइड्रेशन फैक्टर था नहीं, तो आपका जो डिसीजन था वो ओनली आई इफेक्ट पे के बेसिस पे आप लेते थे। ठीक है, वो ओनली आई इफेक्ट के बेसिस पे लेते थे। बट एक्वस फेज में क्या होगा, आपको दोनों के इफेक्ट को लेकर सोचना पड़ेगा, आपको दोनों के इफेक्ट को आपको लेकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट अल्टीमेटली क्या रिजल्ट देगा, आउटकम मिलेगा, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, वो भी हम देखते हैं, ध्यान देंगे। एक और पॉइंट आप याद रखना, एक पॉइंट, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हो, और क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको सोचना है कि आपका मीडियम एक्वस है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया फेज के बारे में, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया फेज के बारे में, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका आपका मीडियम क्या होगा, आपका मीडियम एक्वस होगा, ये सोचना है। अगर क्वेश्चन कुछ बोल क्वेश्चन अगर नॉन पोलर लिखा रहा है, गैस पे लिखा रहा है, तो ठीक है, तो पहले जो सीखे थे उस पर काम करेंगे। बट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो बाय डिफॉल्ट आपको एक्वस फेज लेना है, दिमाग में सेट कर लो एक बार अच्छे से। कुछ नहीं बोला मतलब आपको एक्वस फेज ही सोच के चलना है, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अब ध्यान देना। यहाँ पे आपके पास केसेस ले रहे हैं हम लोग, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे अगर बात करते हैं अमोनिया, तो अमोनिया में H+ एक्सेप्ट करेगा, ये कैटायन बन रहा है। प्राइमरी अमोनिया प्राइमरी अमाइन में भी कैटायन बन रहा है, सेकेंडरी अमाइन में भी क्या हो रहा है, आपका H+ एक्सेप्ट करने पर क्या हो रहा है, आपका ये आपका एन पे पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली क्या है, टर्शियरी पे बन रहा है। अब अगर हम बात करते हैं आई इफेक्ट का, तो आई इफेक्ट ध्यान देना, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करोगे आपका आई इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, कैसा, प्लस इफेक्ट। अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी कैटायन बन रहा है, जो भी कैटायन बन रहा है उनका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आई इफेक्ट, ड्यू टू आई इफेक्ट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आई इफेक्ट नीचे को सपोर्ट कर रहा है, तो नीचे के साइड में क्या होगा, तो आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, आई इफेक्ट के कारण बेसिसिटी क्या होगा, तो टर्शियरी अमाइन ज्यादा बेसिक होना चाहिए क्योंकि टर्शियरी अमाइन का जो कैटायन है ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो आई इफेक्ट के बेसिस बात करेंगे तो आई इफेक्ट का नेचर क्या है कि टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया, इस ऑर्डर को फॉलो करना चाह रहा है आई इफेक्ट, ठीक है। तो आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका बेसिसिटी ऑर्डर ऐसा होने वाला है जो हम लोग सीख चुके हैं पहले। लेकिन बात करते हैं हाइड्रेशन फैक्टर का, तो जैसे से नीचे आओगे तो सब पे चार्ज तो फिक्स है ना, सब पे चार्ज फिक्स है, सब में चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब चार्ज में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें चेंज क्या हो रहा है, चेंज साइज में हो रहा है, तो साइज नीचे बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा आपका हाइड्रेशन का जो फैक्टर है क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आपका साइज बड़ा होगा आपका हाइड्रेशन का फैक्टर डिक्रीज करेगा, या फिर आपका एच बॉन्डिंग का फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर ए फैक्टर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज क्या होगा, घटेगा। एनर्जी रिलीज क्या होगा, घटेगा। तो आपका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, कैटायन का स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। तो हाइड्रेशन का जो फैक्टर है वो नीचे वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हाइड्रेशन के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा बेस कौन होना चाहिए, तो हाइड्रेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग ये उल्टा करना चाहता है, ये बोलता है कि अमोनिया बेटर बेस होना चाहिए क्योंकि अमोनिया के पॉजिटिव को हम ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं। फिर प्राइमरी मेन होना चाहिए, फिर सेकेंडरी होना चाहिए, फिर टर्शियरी होना चाहिए, ये सपोर्ट क्या कर रहा है, ये हाइड्रेशन कर रहा है। तो हाइड्रेशन फैक्टर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर इस ऑर्डर को सपोर्ट करना चाहता है, और आपका जो आई इफेक्ट है इस ऑर्डर को सपोर्ट करना चाहता है। तो दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट प्ले में आता है, दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट प्ले में आएगा। तो जब भी हम बात करते हैं एक्वस मीडियम का, तो आपको जो बेसिक ऑर्डर फॉलो करना है वो इसको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, जो मैं जस्ट बताने वाला हूँ उसको बस आप ध्यान सेट कर लेना। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, और एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके मेडिकल लेवल में आने का बहुत हाई चांस है, मतलब पीछे जितना भी बात कर चुके हैं वो आए नहीं है, लेकिन चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आने का तेरे पास चांसेस रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि इसका कंबाइंड ऑर्डर क्या होता है। इवन आप लोग को याद भी होगा, बहुत लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, तो इसका जो कंबाइंड ऑर्डर निकल के आता है, तो ध्यान देना, अगर आपका आर अगर इथाइल हो, अगर आर इथाइल होगा तो उस केस में आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है, सेकेंड डिग्री, थ्री डिग्री, सबसे बेसिक कौन होगा, टू डिग्री, फिर थ्री डिग्री, फिर वन डिग्री, फिर अमोनिया। ये कब करेंगे, जब आपका आर ग्रुप इथाइल होगा, C2H5, ठीक। और अगर आपका इसके अलावा मिथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, तो आर ग्रुप जो इसके अलावा और कोई होगा, इसके अलावा कोई होगा, उस केस में आपको फॉलो करना ऑर्डर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। यहाँ पर चेंज है, इथाइल वाले में टर्शियरी आ गया था, और बाकी किसी में भी क्या होगा, आपका प्राइमरी आ गया जाएगा, तो टू डिग्री, वन डिग्री, फिर थ्री डिग्री और फिर अमोनिया। तो आपको इस ऑर्डर को फॉलो करना है, इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। तो एक्वस मीडियम में यहाँ पे ऐसे चेंज होता है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, ध्यान देना। तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन देखो नीचे दिया हुआ है, कंपेयर बेसिसिटी। यहाँ पे तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, अमोनिया है, CH3NH2 है, और CH3NHCH3 है। तो कहीं क्या वो दिख रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें बच्चे लोग ये सेकेंड डिग्री है, ये प्राइमरी है, और ये क्या है, अमोनिया है। तो
कुछ नहीं बोला तो मीडियम को एक्रॉस मानना पड़ेगा, मीडियम को एक्रॉस मानने का पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, ए वाला मोस्ट बेसिक हो जाएगा, फिर टू नंबर, फिर वन नंबर, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्री टू वन, थ्री टू वन, चेक। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसमें देखोगे उसमें आपके पास चार कंपाउंड दिया हुआ है, तो चार कंपाउंड को आपको अरेंज करना है, चार कंपाउंड को आपको अरेंज करना है, इसमें ध्यान देना, इसमें देखोगे तो इसमें इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें एस आई पी इफेक्ट है, इसमें एस आई पी इफेक्ट है, ऑर्थो पे ग्रुप है मतलब एस आई पी होगा एनिलीन में, और इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे एक सी एस थ्री का प्लस आई है, तो सबसे बेटर कौन होगा, सबसे बेटर होगा जहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो जो फोर्थ नंबर है सबसे बेटर होगा, तो फोर्थ नंबर सबसे बेटर होगा, ठीक है। बात करते हैं वन टू थ्री में, तो वन टू थ्री में आपका फिर क्या होगा, टू नंबर बेटर होगा क्योंकि उसमें सी एस थ्री एक्स्ट्रा अटैच है, ठीक है, और वन टू में थ्री सॉरी वन थ्री में आपका थर्ड में एस आई पी इफेक्ट है, तो एस आई पी इफेक्ट से क्या होता है, बेसिसिटी डिक्रीज करता है, तो फिर क्या होगा, वन नंबर होगा, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपका थ्री नंबर होगा, लास्ट में आपका थर्ड नंबर होगा, लास्ट में आपका थर्ड नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है, अरेंज अकॉर्डिंग टू पीकेबी, पीकेबी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है एंड बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो पीकेबी और बेसिसिटी में रिलेशन क्या होता है, चलो आपको ये पता होना चाहिए, बेसिसिटी और पीकेबी में इनवर्स का रिलेशन होता है, यानी जितना ज्यादा पीकेबी हाई होगा उतना ही बेसिसिटी क्या होगा, कम होगा, और वाइसी वर्सा भी ट्रू है, जितना पीकेबी लो होगा उतना बेसिसिटी क्या होगा, ज्यादा हाई होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं और उसका रिवर्स हो जाएगा पीकेबी का ऑर्डर, उसका रिवर्स हो जाएगा पीकेबी का ऑर्डर, तो क्वेश्चन जो यहाँ पे चार क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, बेसिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे और उसका रिवर्स हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा आपका पीकेबी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ देखोगे यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, चार क्वेश्चन है, तो इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपके पास 3 डिग्री है, ये आपके पास 2 डिग्री है और ये आपके पास 1 डिग्री है, कौन सा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 2 में क्या, 2 में रेजोनेंस है, 2 में रेजोनेंस है, आपका जो लोन पर है वो रेजोनेंस जा रहा है, वो रेजोनेंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 2 सबसे लिस्ट बेसिक होगा कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, बाकी सब में देखोगे तो बाकी सब में आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग सोचते हैं, और चूंकि कुछ बोला नहीं है तो मीडियम को क्या मानोगे, मीडियम को मानोगे एक्वस, एक्वस में क्या होता है 2 डिग्री से आगे जाएगा, और चूंकि मिथाइल है तो मिथाइल वाले पता है, तो मिथाइल वाले पता है कि 2 डिग्री के बाद क्या होता है, 1 डिग्री होता है, तो थ्री, तो क्वेश्चन 3 के बाद क्या होगा, क्वेश्चन 4 हो जाएगा, इन 3 4 और फिर 3 डिग्री आएगा यानी 1, तो 3 4 1 2 ये ऑर्डर चल जाएगा इस केस में यहाँ पे, और आपका पीकेबी का ऑर्डर क्या होगा, पीकेबी का ऑर्डर जस्ट उसका रिवर्स कर दे, जस्ट ऊपर वाले ऑर्डर का रिवर्स कर देगा तो निकल जाएगा आपका पीकेबी का ऑर्डर, निकल जाएगा आपका पीकेबी का ऑर्डर, ठीक है। तो ये रहेगा क्वेश्चन जिसमें हम लोग आपका एक्वस मीडियम को हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी होगा, उसको भी ट्राई कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एक्वस मीडियम का इंपैक्ट।